सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शालीनता से बात कीजिए दोस्तों, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। आपकी खूबियां ही आपका मार्गदर्शन करती है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करूं। समय, शक्ति और पैसा कभी भी एक साथ नहीं आते। आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 2:44 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कर्क राशि 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा जिससे थकान का अनुभव करेंगे। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा कर रखें। काम थोड़ा भले ही करें लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसे प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा दैनिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित भी हो जाएगी। बच्चों को अपना सानिध्य देने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने भविष्य को लेकर भी सजग रहेंगे। हर काम सही तरीके से पूरा होगा। दस्तावेजों से जुड़ी रुकावट दूर होगी। प्रभावशाली लोगों का साथ मिलने से आपका विश्वास बढ़ेगा। लोगों के साथ बढ़ते परिचय से व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा। आपके काम की वजह से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अपने काम पर ध्यान देते रहें। रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आज के दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपका कुछ धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था तो वह भी आपको मिल सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने संतान को कुछ जिम्मेदारियां देनी होगी जिससे कि वह आगे चलकर उन्हें आसानी से संभाल सके। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। सावधानियां, दोपहर बाद बनते कार्यों में बधाई भी आने की आशंका है। अनजान लोगों से संपर्क न रखें तथा अपनी बातों को सार्वजनिक न करें। बच्चों की किसी गतिविधि को लेकर मन में कुछ चिंता रह सकती है परंतु यह समय शांति से व्यतीत करने का है। बात करते हैं लव लाइफ की। फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसे अधिक न होने दें और खुद को केवल इसके शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें। भावनात्मक रूप से किसी के साथ न जुड़े। आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट न दे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपके साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा जिससे काफी आमदनी बढ़ेगी। पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिया गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में परिवार की सलाह फायदेमंद रहेगी। किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बन रही है तो तुरंत अमल करें। शेयर्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है। नौकरी पेशे लोगों पर काम कम रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अपने शरीर के स्थान पर मन को पुष्ट बनाने के बारे में सोचें। आप खुद को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखते ही हैं लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं जो बहुत परिश्रम करता है। आराम करें, कुछ ऐसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें जिससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करे।
हर रोज खुद को 15 मिनट जरूर दें, योग और ध्यान करें, अपने विचारों को एक जगह लगाने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को शक्कर का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।